हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आज हम करेंगे आपकी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए ये क्लास होने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें लेकर आए हैं डियर। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको 121 120 क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको कि विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज इसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई, यानी कि सप्लाई या आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है। तो देखिए, मान लीजिए आप किसी मोटर को सप्लाई दे रहे हैं या किसी भी कुछ ऐसा है जो हम जिसे सप्लाई दे रहे हैं बोर्ड से, तो उसमें सप्लाई देने से पहले उसमें जो वाइंडिंग होती है उसका परीक्षण आवश्यक क्यों होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए परीक्षण आवश्यक क्यों होता है, तो हम इसलिए करते हैं, इसका पोलैरिटी टेस्ट हम इसको बोलते हैं, पोलैरिटी टेस्ट। ठीक है, सप्लाई देने से पहले पोलैरिटी टेस्ट किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 122, जिसमें आपसे पूछा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर वार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। यदि खुले सर्किट में रोटर वार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, मोटर क्या करेगी, ओवरहीटिंग करेगी, है ना। यदि खुला सर्किट होगा तो क्या होगा, ओवरहीटिंग करेगी, तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर चला जाएगा। ओवरहीटिंग करेगी तो मोटर ख़राब भी हो सकती है, उसकी वाइंडिंग भी जल सकती है, फूक भी सकती है। ठीक है, बहुत सी हानियां हमारे मोटर में हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन आता है आपका 123, जिसमें आपसे पूछा है रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति क्यों रखा जाता है। जो रोटर चालक होते हैं उनको 3 फेज मोटर में थोड़ा तिरछा क्यों रखा जाता है, ये आपसे पूछा है। इस टाइप से क्यों रखा जाता है ना, तिरछा, तो तिरछा क्यों रखा जाता है डियर। जो आपका अधिक समान रोटर क्षेत्र बलाघुण होता है उसका उत्पादन करे या उसको जनरेट करे, प्रोड्यूस करे, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन आता है डियर 124, जिसमें आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी 3 फेज मोटर। एसी 3 फेज मोटर में रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कॉपर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमें यहाँ पर कपास दिया है और इसमें भी कपास दिया है, पीवीसी कवर तांबे वाइंडिंग, इसमें कॉपर की बात हुई है लेकिन पीवीसी की बात हुई है डियर, ये हम नहीं लगाएंगे। बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का हम यूज़ करते हैं फॉर वाइंडिंग। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 125, जिसमें आपसे पूछा है कि विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित है। नो लोड टेस्ट जो होता है उससे कौन सी हानि का हम पता लगाते हैं, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमारा आयरन लॉस का हम यहाँ पर परीक्षण करते हैं या पता लगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा चला जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आता है 126, पूछा है आपसे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है, तो हम इसलिए करते हैं, जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको या रनिंग बलाघुण को पाने के लिए, मतलब कि रनिंग जो बलाघुण होता है उसको अच्छा पाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर के साथ फिट किया जाता है, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 127, जिसमें आपसे पूछा है कि वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है, देखिए इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये एक इधर से आ रहा है और एक इधर से,
जिसमें कि एक हमारा इधर को जा रहा है और एक किधर को। तो ये क्या है डियर, बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे पोल हमारे होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, मान लीजिए एन पोल इधर है तो एस होगा, यदि एन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से भागेंगे, ठीक है, दूर भागेंगे, नहीं एक दूसरे के पास आएंगे। यदि एक तरफ एन है और एक तरफ एस पोल है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चला जाता है। पोलैरिटी टेस्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 128, पूछा है आपसे कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर क्या कार्य करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है। तो देखिए जो टाइमर हम लगाते हैं स्वचालित डेल्टा स्टार्टर में, तो इसमें क्या होता है, आपका जो मोटर होती है पहले वो स्टार में चलती है, लेकिन 5 सेकंड 15 सेकंड कुछ टाइम के लिए हम जो टाइम सेट करते हैं इतने टाइम वो स्टार में चलेगी, उसके बाद वो कट मार के डेल्टा में निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, यानी स्टार्ट से स्टार से डेल्टा में परिवर्तित होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आता है 129, जिसमें पूछा है आपसे कि एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है, तो ये होता है आपका फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना, ठीक है, फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना होता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि मोटर जो शुरू में चलती है वो 5 गुना करंट ज़्यादा लेती है आप, मतलब कि बाद में चलने के मुकाबले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 130, जिसमें आपसे पूछा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में चार्जर होंगे, केबल होंगे, है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक परत चढ़ी होती है ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, और इसमें वायर होते हैं, है ना, इसमें वायर होते हैं और उसके ऊपर से परत चढ़ी होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, इंसुलेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर यदि हम उसको इंसुलेशन को हटा दें और वायर वायर रखें तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए क्या किया जाता है, कंपनियां इस पर इंसुलेशन चढ़ाकर देती हैं, और वही इंसुलेशन प्रतिरोध मापने की यहाँ पर बात की है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर मेगर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। मल्टीमीटर से आप ओम नाम यानी कि प्रतिरोध माप सकते हो, और करंट भी माप सकते हो, वोल्टेज भी माप सकते हो। जहाँ ये ओम मीटर दिया है यहाँ वो प्रतिरोध आप मापेंगे, यहाँ भी प्रतिरोध आप मापेंगे, लेकिन अलग अलग सन टाइप प्रतिरोध आप मापेंगे और श्रेणी टाइप प्रतिरोध आप मापेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 131, जिसमें आपसे पूछा है एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो थ्री एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप हम इसे बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 132, पूछा है आपसे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, एक तो ओपन सर्किट होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है, हमने तो ये पढ़ा था। नहीं डियर, ऐसा नहीं करना है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट तो ये तो हमारे एक फॉल्ट होते हैं जो मोटर में या जनरेटर में हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सर्किट होगा ये होगा नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, जहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन आता है आपका 133, जिसमें आपसे पूछा है कि एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं, तो ये होता है आपका श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या हम बोलते हैं किसमें, एसी वाइंडिंग में कोयल जो होती हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 134, जिसमें पूछा है कि लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? तो आपने देखा है कि बेहतर जो एंजिंग होती है या परावैद्युत शक्ति के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेदराइट पेपर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है और इसका ये बहुत अच्छा गुण होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 135, जिसमें आपसे पूछा है कि 36 स्लॉट्स और 36 कोयल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 फेज डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कोयल की संख्या कला पोल की संख्या की गणना करें। यानी कि आपसे कोयल फेज और पोल की पूछा है, तो यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके कोयल के नंबर हैं, यानी कि कोयल कितनी है आपकी, 36 है, तो नंबर ऑफ कोयल अपॉन नंबर ऑफ फेज, यानी कि फेज कितने हैं आपके, फेज नंबर ऑफ फेज, ठीक है, इंटू आपके अब होगा आपका पोल की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल पोल की संख्या। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, यानी कि कोल अपॉन नंबर ऑफ कोयल अपॉन नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो हम इसमें अपनी वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, 36 क्या दी हैं, कोयल्स दी हैं, जिसमें कि हमें 4 पोल दिए हैं यहाँ पर, तो 4 हम यहाँ रख देंगे इंटू 3 कला, भाई 3 फेज की बात हुई है तो 3 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारा, 3। तो 3 कॉइल 3 फेज 3 पोल हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। रिवाइंडिंग क्या होती है, एक बार वाइंडिंग करने के बाद यदि वाइंडिंग खराब हो गई, फिर से उसको वाइंडिंग कर देना, उसको रिवाइंडिंग प्रक्रिया कहते हैं। री का मतलब होता है फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए ये एक मतलब कि स्टैंड है जहाँ पर हमने क्या कर रखा है, जिसमें वायर हमारी लिपटी हुई है। एक आपने देखा है पतंग की चरखी देखी होगी, जिसमें मांझा लगा हुआ होता है, उस टाइप की चरखी सी है, जिसमें यहाँ पर वायर लगा हुआ है कॉपर का। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग करते हैं यहाँ पर, और ये मतलब जैसे हम वाइंडिंग करते रहेंगे, वायर यहाँ से यहाँ जाता रहेगा, तो ये क्या हो जाता है, हाथ से वाइंडिंग करना ये हो जाता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आता है आपका 137, जिसमें आपसे पूछा है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, समरसेबल जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इसकी प्योर लैंग्वेज में यदि बोलें तो इसका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। तो चलिए इसमें क्या पूछा है आपसे कि समरसेबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, वाइंडिंग तार का, किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका पीवीसी कवर्ड टाइप वायर का प्रयोग हम क्यों करेंगे, वजह सुन लीजिए। देखिए जब आपका समरसेबल होता है, उसमें मोटर नीचे डलती है, गड्ढे में डलती है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, नमी भी होती है, पानी भी होता है, जिसकी वजह से यदि हम नॉर्मल वायर उसमें डाल देंगे या नॉर्मल वाइंडिंग हम वहाँ कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वो एक टाइम में गल जाएगा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट, बहुत बड़ा वहाँ पर हादसा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीवीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीवीसी कवर स्पेशली पानी के वर्क के लिए बनाया गया है। अब जैसे आपने देखा होगा, आपके घरों में टंकी फिटिंग होगी, तो वहाँ पर भी क्या है, पीवीसी पाइप आपके दबे होते हैं, ऊपर से टैंक से लेकर नीचे ज़मीन तक आपके पीवीसी पाइप ही लगे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 138, पूछा है आपसे कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टार्टर की बात यहाँ पर हुई है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने या चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाता है।
ठीक है, चलिए। आज का 139 क्वेश्चन है, पूछा है एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है ये आपसे पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता पड़ती है जिससे खर्चा भी अधिक होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, लंबी कॉर्ड वाइंडिंग नहीं करते। तो सी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, थ्री फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप रिंग की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए, स्लिप रिंग की गणना करने का सूत्र क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। एन स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किस लिए, स्लिप रिंग की गणना करने के लिए। यदि स्लिप रिंग प्रतिशत की गणना आपसे पूछ ले तो हम यहाँ पर गुणा में 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाता है। तो डियर, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारी क्लासे लेते रहिए और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।